हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग कुछ आपके डाउट डिस्कस कर रहे हैं जो होमवर्क के तौर पे हमने लिया था। इनमें से तीन क्वेश्चन हमने हाईलाइट किया जिसको हम अभी डिस्कस करना चाहते हैं। राइट, द फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस। दिस इज वाई इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टेन 3x, इसको डिस्कस करेंगे। देन वाई इज इक्वल टू कोसेक ऑफ 2x प्लस पाई बाई 3, इसको डिस्कस करेंगे। और वाई इज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ 3x, इसको डिस्कस करेंगे। बिफोर आई मूव टू द डिस्कशन, मैं तुम्हें थोड़ा बेसिक याद दिलाना चाहता हूँ। जैसे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है, मैंने तुम्हें बताया था कि टेन एक्स की जो हमारे पास पीरियोडिसिटी होती है वो कितनी होती है, पाई होती है। तो 3x की कितनी हो जाएगी, पाई बाई 3 हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ हमें ये समझ में आनी चाहिए कि इसकी पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी, पाई बाई 3 हो जाएगी। नंबर वन। नंबर टू, अगर मैं यहाँ पे इसको फोकस करता हूँ, राइट, तो कोसेक एक्स की पीरियोडिसिटी की अगर मैं बात करूँ, तो पीरियोडिसिटी हमारे पास कोसेक एक्स की कितनी होती है, 2π होती है। 2π डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, इसकी पीरियोडिसिटी पाई हो जाएगी। मतलब ये रिपीट कहाँ पे करेगा, पाई के बाद रिपीट करेगा। बहुत ध्यान से हर चीज़ सुनोगे। कॉट एक्स की पीरियोडिसिटी कितनी होती है, पाई होती है। तो इसकी पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी, पाई बाई 3 हो जाएगी। सबसे पहली बात मैं किसी कर रहा हूँ, पीरियोडिसिटी। क्यों बात कर रहा हूँ पीरियोडिसिटी की, बिकॉज हमें मालूम है इतने देर के बाद ये वाली चीज़ पूरा रिपीट होना है, पूरा रिपीट होना है। पहली बात। दूसरी बात, जब कभी भी ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ये उतना भाई, पीरियोडिसिटी तो उतना ही रहेगा। क्या हो जाता है, सिर्फ इसकी वैल्यू उतनी तेजी से बढ़ जाए, उतना टाइम हो जाती है। ठीक है, तो टैन का ग्राफ, ये जो हमारे पास टैन का ग्राफ है, दिस वन, राइट, हमें पता है कि ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच का ग्राफ दे रखा है। ठीक है, अब माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 हमारे पास कितना था, सोच के देखो, पाई था, राइट। अब अभी यहाँ पे मुझे पाई बाई 3 है, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस पाई बाई 6 से प्लस पाई बाई 6 तक होगा। माइनस पाई बाई 6 से प्लस पाई बाई 6 तक होगा। सोचने का तरीका सीखो, तुम अपने बेसिक नॉलेज को कैसे अच्छे क्वेश्चंस पे अप्लाई करोगे, दैट इज व्हाट वी आर हेयर फॉर, वी वांट टू लर्न दैट। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच का ये जो नेचर ऑफ ग्राफ था, ये अब कैसा चला जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास माइनस पाई बाई 6 से प्लस पाई बाई 6 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, हर चीज 3 से डिवाइड हो जाएगी। जो पाई था वो पाई बाई 3 हो गया, तो जो पाई बाई 2 था वो कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा। जो माइनस पाई टू था वो कितना हो जाएगा, माइनस पाई सिक्स हो जाएगा। ठीक है, और जो वैल्यू हमारे पास 1 थी वो अब कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। जो 10 थी वो 100 हो जाएगी। तो ये हमारा बहुत तेजी से आई की तरफ जाएगा। पहली चीज अभी ड्रॉ करेंगे, परेशान मत होना, अभी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। सिमिलरली कोसेक एक्स की बात अगर करेंगे, कोसेक एक्स, राइट, ये रहा तुम्हारा कोसेक एक्स। ठीक है, ये तुम्हारे पास कोसेक एक्स है। तो कोसेक एक्स तुम्हें ध्यान था कैसा था, कुछ पैराबोलिक सा होता है ना, साइन का जस्ट उल्टा चलता है, राइट। साइन जहाँ पे हमारे पास 1 है वहाँ पे ये भी 1 है, जहाँ पे 1 से डिक्रीज हो रहा है वहाँ से ऊपर इंक्रीज करता है, राइट। जब पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ, और जब नेगेटिव है तो नीचे की तरफ। नेगेटिव कब है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव कब है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। ये बातें हमें समझ में आती हैं, राइट। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक। मतलब 1 और -1 के बीच में कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ ठीक है। ऑल राइट, पीरियोडिसिटी इसकी पाई हो जानी चाहिए, यानी जो काम पहले 0 से 2π के बीच में हो रहा था वो काम अब 0 से π के बीच में होगा। ठीक है, जो काम हमारा पाई पे हो जा रहा था वो काम अब पाई बाई 2 पे होगा। ठीक है, नेचर ऑफ द ग्राफ पाई बाई 2 पे, वहीं पे चेंज हो जाएगा। पाई बाई 2 से पहले पॉजिटिव होगा और पाई बाई 2 के बाद नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि 2 टाइम्स हो रहा है ना, सोच के देखो ना। जो अगर मैं एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 रखूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 2π बन जाएगा। और क्या बताया था, जब कभी हम इसमें कोई वैल्यू ऐड करते हैं या सब्स्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ सब्स्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, जब हम सब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो ग्राफ राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएगा, जब हम ऐड कर रहे हैं तो ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर जाएगा। कितने से, जितनी भी वैल्यू तुम ऐड कर रहे हो उतने से, यानी कितने से, पाई बाई 3 से, वो वैल्यू उतने अब शिफ्ट हो जाएगी। सीधी सीधी बात है यार, जो वैल्यू पहले 0 पे थी, राइट, तुम इसको 0 बना लो ना, बस इसको 0 बना लो, तो तुम देखो ना कितना हो जाएगा। देखो 2x प्लस पाई बाई 3 को तुमने जब 0 बनाया तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये तुम्हारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। तो ये वैल्यू माइनस पाई बाई 6, 0 पे जो काम हो रहा था वो अब कहाँ पे होगा, माइनस पाई बाई 6 पे होगा। तो ग्राफ तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस पाई बाई 6 से स्टार्ट होगा, इसका नेचर यहाँ से शुरू होगा। मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब कॉट 3x की भी थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं, राइट। कॉट क्या है, अभी टेन का उल्टा है, टेन जहाँ पे इन्फिनिटी है वहाँ पे कॉट 0 है, और जहाँ पे तुम्हारा 10 0 है वहाँ पे कॉट क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3x हो गया। तो जो भी काम हमारे पास पहले 0 से π के बीच में हो रहा था, अब क्या होगा, वो 0 से π/3 तक होगा। ठीक है, 0 से π/3 तक होगा। बीच में ये वैल्यू कौन सी आएगी, π/6 पे आएगी। अब यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, कि जहाँ मेरे पास वैल्यू पहले पॉजिटिव जा रही थी वहाँ पे अब क्या जाएगी, हमारी वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, और जहाँ पे नेगेटिव थी वहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी।
आओ इन बातों को एक एक करके अब एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। लेट अस लुक इन टू द क्वेश्चन वेरी माइन्यूटली नाउ। ठीक है, देखिएगा, ये हमने यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस ले रखा है। ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। नाउ व्हाट यू नो, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेम दैट। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग वाई इज इक्वल टू टैन एक्स का ग्राफ देखना बड़ा आसानी से, बहुत आसानी जानते हैं, है ना। कुछ ऐसे लाइट लाइन से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, लाइट लाइन से ड्रॉ करता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आई होप इट इज विजिबल, राइट। कुछ ज़्यादा तो लाइट नहीं हो गया ना, चलो कलर चेंज कर देते हैं, कुछ ज़्यादा लाइट लग रहा है ये। लेट्स टेक स्लाइटली डार्कर कलर, लेट्स से दिस वन, ओके, आई होप इट्स बेटर नाउ, यस, अब ठीक है थोड़ा। तो हम जब कभी भी ओरिजिनल एक्सप्रेशन से हट के कुछ भी होगा, ठीक है, डेफिनेटली आप स्केल वगैरह का यूज़ करोगे तो आपकी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी होगी, है ना। मैं फ्री हैंड से ये ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बनेगा, बट हाँ ठीक ठीक मैं कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, राइट। तो मैं क्या ड्रॉ करूँगा, मैं पहले टैन एक्स को एक रफली ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तुम भी अपने पेंसिल से या फिर प्रैक्टिस के लिए इस तरीके से तुम इस बातों को समझ सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के बीच में, ठीक है। और हमें पता है कि ऐसे ही हर पाई पे चेंज होता जाएगा, भाई इधर पाई बाई टू, इधर पाई टू, मतलब ओवरऑल कितना हो गया, व्हाट इज द ओवरऑल वैल्यू फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज पाई, ठीक है। तो माइनस पाई बाई टू से लेकर के अगला हमारे पास क्या आएगा, थ्री पाई बाई टू आएगा, एंड सो ऑन। हम इधर भी जा सकते हैं, वी कैन मूव अहेड, कितना भी जा सकते हैं, बट फिलहाल हमें सिर्फ एक रफ डायग्राम चाहिए, ठीक है। अगर तुम सिर्फ इतना भी ड्रॉ कर देते हो, दैट इज ऑल डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे, ठीक है। यू जस्ट हैव टू शो दैट यू नो इट, दैट्स ऑल। वैसे भी ग्राफ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो बहुत है, बट डायरेक्टली पूछते नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो बहुत है, बट डायरेक्टली बहुत रेयरली पूछते हैं, ठीक है। तो देखो, ये रहा टैन एक्स का ग्राफ, टैन एक्स का ग्राफ, हम लोगों ने इसको काफ़ी डिटेल में कल समझ रखा है, राइट। बहुत तेज़ी से ये इंक्रीज करता है टैन एक्स का ग्राफ, और इधर जैसे ही हम नेगेटिव में जाते हैं तो ये बहुत तेज़ी से डिक्रीज करता है, कुछ ऐसा, राइट। एक रफ डायग्राम है, सो थोड़ा सा ये और बेटर होना चाहिए था, ठीक कर दूँ क्या, चलो कर देता हूँ, राइट। आओ करने की कोशिश करता हूँ, कुछ ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, स्लाइटली लाइक दिस, ओके। पहले बहुत ज़्यादा उधर को भाग गया था, मतलब तो जैसा इधर है वैसे ही इधर होना चाहिए। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ये ग्राफ जो है थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, है ना। अभी ये जो मैंने लाइट ग्राफ लिया है, ये कौन सा है, दिस रिप्रेजेंट्स वाई इज इक्वल टू टैन ऑफ थ्री, टैन ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू टैन एक्स, ठीक है, ये मैंने इसका ग्राफ लिया है। अब मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टैन थ्री एक्स का ग्राफ करता हूँ। तो जब 10 टाइम्स होगा तो क्या होगा, यही वैल्यू 10 गुना बढ़ जाएगी, 10 गुना बढ़ जाएगी, हर चीज़ 10 गुना बढ़ जाएगी। यहाँ तो ऑलरेडी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी टू 10 क्या हो जाएगा भाई, इन्फिनिटी तो होगा, है ना। तो और दूसरी बात क्या आएगी, जो हमारे पास इसका पीरियडिसिटी थी, जो अभी पाई थी, अब कितनी हो जाएगी, पाई बाई थ्री हो जाएगी। यानी जो यहाँ पे मेरे पास पाई बाई टू पे अचीव हो रहा था, वो कहाँ पे अचीव होगा, इसका इसके थ्री टाइम्स कम पे, पाई बाई टू का थ्री टाइम्स करोगे कितना हो जाएगा, वन बाई थ्री करोगे कितना हो जाएगा, पाई बाई सिक्स, ठीक है। इधर भी तुम्हारे पास जो वैल्यू तुम्हारे पास माइनस पाई बाई टू पे आ रही थी, वो कहाँ पे आएगी, माइनस पाई बाई सिक्स पे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बेसिक बातें आपको अब समझ में आती हैं, राइट। और यहाँ पे हम इसके लिए क्या ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, एसिम्प्टोट्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। टैन की ग्राफ में या जहाँ पे भी ये एसिम्प्टोट वाली कंडीशन आती है, कहाँ कहाँ पे आती है, टैन में आती है, कॉट में आती है, सेक में आती है, कोसेक में आती है, उन सब जगह पे आप इस तरह के वर्टिकल लाइंस पहले से ड्रॉ कर लेंगे, दैट रिप्रेजेंट्स कि यस इट वुड टच इट एट इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। आप इस तरीके से इसको हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा भाई, इनके बीच में ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से, राइट, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ये जो रेड वाला है, ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है, जो हमें चाहिए था, राइट, जो हमें चाहिए था। हर पॉइंट पे ये पिछले इस लाइट ब्लू वाले ग्राफ से क्या है, ये ऊपर है ऑलवेज। वाई, बिकॉज ये 10 टाइम्स है, उसका 10 गुना है। जब मेरे पास टेन एक्स पॉइंट वन था, तो उस समय मेरे पास ये 10 टाइम्स ऑफ टेन थ्री एक्स, राइट, उससे और ज़्यादा होगा, बिकॉज एक तो एक्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे टेन थ्री एक्स है, एंगल भी थ्री टाइम्स हो रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। तो इस तरीके से ये जो मेरे पास रेड वाली जो ग्राफ आई, इसको मैं कहूँगा that this is the graph of y is equal to 10 times of tan 3x, ठीक है। अगर आप इससे आगे पीछे जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखो, यहाँ मैंने पाई बाई सिक्स ऐड किया, राइट, ये टोटल वैल्यू कितनी है, पाई बाई थ्री है। ये तुम्हारे पास कितना है भाई, पाई बाई सिक्स मतलब होता है तुम्हारे पास कितना, दैट इज 30 डिग्री। तो 30 में 60 ऐड करोगे, कहाँ पहुँच जाओगे, पाई बाई टू पहुँच जाओगे, ठीक है।
फाइव बाई टू पे आप पहुंच जाओगे। ये वैल्यू थोड़ी सी और मुझे यहाँ पे छोटी लेनी चाहिए थी, राइट, ये फाइव बाई सिक्स इधर कहीं पे होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, एक रफ डायग्राम है, वी कैन एडजस्ट इट। ओके, इस तरीके से हम देखेंगे, राइट, इसको आगे भी हम, हमें पता है कि फिर से अगर मैं इसमें फाइव बाई थ्री ऐड कर दूँ तो यहाँ कहीं पे, राइट, यहाँ कहीं पे, राइट, फाइव बाई थ्री ऐड करूँगा तो एक्चुअली मैं ये फाइव बाई टू तुम्हारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ये डायग्राम हम लोग इसको ज़्यादा पास में हमने ले लिया, इट शुड बी स्लाइटली ऑन दी फादर डिस्टेंस, या फिर इसको मुझे और इधर लेना चाहिए था या फिर इसको इधर लेना चाहिए था, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट, ठीक है। तो इसमें मैं अगर यहाँ से देखूँ तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, ये वैल्यू होगी मेरे पास पाई बाई थ्री, और पाई बाई थ्री से हम फिर से अगर इसको देखें तो एग्जैक्टली इसी तरह का ग्राफ हमारे पास निकल जाएगा, सेम थिंग वुड कम हेयर, सेम थिंग वुड कम हेयर, ठीक है। एंड सिमिलरली हम लोग निगेटिव में भी जा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डोमेन और रेंज की, तो कोई टेंशन नहीं है, राइट, मैंने आपसे कहा था चार चीज़ें मैंने आपसे कही थी, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ, ठीक है। तो अगर मैं डोमेन की बात करूं तो अभी भी वही होगा क्या, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, अब देखो जो चीज़ यहां पे तुम्हारे पास पाई बाई टू पे अचीव हो रही थी, सोच कितने, सोचना थीटा जब पाई बाई टू, टेन एक्स में क्या था वो पाई बाई टू, मेरे पास उसको हटाना था, पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स हटाने थे। अब सोचने की ज़रूरत है कि जब एक्स मुझे पाई बाई टू पे हटाना पड़ रहा था तो जब थ्री एक्स होगा तो क्या हटाना पड़ेगा, पाई बाई सिक्स पे हटाना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या हटेंगे, तुम्हारे पास पाई बाई सिक्स के ऑड मल्टीपल्स हटेंगे, पाई बाई सिक्स के ऑड मल्टीपल्स हटेंगे, ठीक है। आर में से आप ये सारी वैल्यू सब्सट्रैक्ट करेंगे। जिन लोगों ने मेरे साथ फंक्शंस नहीं किया है मैं उनको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा आप एक बार ये सारी चीज़ें लिख लीजिए, और मैंने कहा भी था कि फंक्शंस के वीडियो आप मेरे से डिमांड कर सकते हो इस नंबर पे 9319666162। एंड इन केस आप अगर मेरे साथ कंटिन्यू कर ही रहे हैं तो कोई टेंशन मत लीजिए, फिर तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं उस चीज़ को अभी रिपीट करूंगा भी, है ना, समवेयर इन दी लास्ट ऑफ जून और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई मैं इन दोनों टॉपिक्स के सेट्स का और फंक्शंस का रिविजन बैच लगाऊंगा, ठीक है, देख लो। एंड इवन इफ यू आर नॉट कॉन्टिन्यू विद मी देन इवन देन यू कैन आस्क फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेम, आप रिकॉर्डिंग के लिए मेरे से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे मेरे पास ये समझ में आता है कि हम किस तरीके से डोमेन देखेंगे। रेंज की जहाँ तक बात है तो रेंज हमें बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए क्या, कि इट विल बी ऑल रियल नंबर्स। टेन का अगर मेरे पास रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है तो अगर मैं उसको टेन टाइम्स मल्टीप्लाई कर भी दूंगा तो इन्फिनिटी को तुम अगर टेन टाइम्स करते भी तो क्या आएगा, इन्फिनिटी तो आएगा बेटा, ठीक है। सो दैट वुड बी द ग्राफ डोमेन एंड रेंज ऑफ टेन टाइम्स टेन ऑफ थ्री एक्स, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द सेकेंड वन, द नेक्स्ट वन दैट यू हैव आस्क्ड मी टू डिस्कस, दैट इज कोसेक। अगेन as we just discussed about the previous thing, यहाँ पे भी मैं उसी तरीके से इसको डिस्कस करना चाहूँगा, बहुत आराम से समझेंगे हर चीज़ को। ये तुम्हारे पास x एक्सिस है, ये तुम्हारे पास y एक्सिस है, ठीक है। cosec x का ग्राफ मैं देखूंगा, सबसे पहले क्या देखूंगा, जो भी चीज़ आती है ना हमेशा उससे रिलेट क्या करो, तुम चीज़ों को ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे, ठीक है। तो मैं किसका ग्राफ देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ y इज इक्वल टू cosec x का ग्राफ देखना चाहता हूँ, ठीक है। इसकी ग्राफ भी अगर देखने में तकलीफ होती है तो मुझे किसका ग्राफ देखना आता है, मुझे तो साइन एक्स का ग्राफ देखना तो आता ही है, ये तो सभी को आता है ना भाई, आता है कि नहीं आता है, आता है, राइट। साइन एक्स कैसा होता है, ये ऐसा चलता है, राइट, थोड़ा डॉटेड ले रहा हूँ ताकि आप सिर्फ इसको इमेजिनेशन में समझें, ठीक है, ऐसे ही तो चलता है साइन एक्स, राइट, साइन एक्स हमारा ऐसे चलता है, तुम्हें ये लाइट लाइट सा दिख रहा है, ठीक है। ये सब हमने कल काफ़ी डिटेल में करा है, काफ़ी डिटेल में करा है, एंड आई होप तुम्हें ये बात ध्यान है कि ये वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई टू होगी, ये वैल्यू कितनी होगी, थ्री पाई बाई टू होगी, ये वैल्यू कितनी होगी, पाई होगी, ये कितना होगा, माइनस पाई बाई टू होगा, ये कितना होगा, माइनस पाई होगा, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों ने समझ रखी हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने समझ रखी हैं, सब की सब, राइट, एवरीथिंग इज क्लियरली डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, ठीक है। कोसेक एक्स चाहिए भाई, तो क्या बताया था मैंने, एग्जैक्टली ऊपर की तरफ भाग जाता है ना, पाई बाई टू पे। अब देखो कहाँ पे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे भी जीरो है, जहाँ पे तुम्हारा साइन एक्स जीरो है वहाँ पे कोसेक ऑब्वियसली बात है वन बाई जीरो होगा। वन बाई जीरो का मतलब क्या समझ में आता है बेटा, अनडिफाइंड इन्फिनिटी, ठीक है ना, आई होप इट इज ठीक है, ठीक है, आई होप इट इज ठीक है। सो हम किसका ग्राफ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कोसेक एक्स का ग्राफ, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। कोसेक एक्स हमें समझ में आता है कि भाई ये तो पाई बाई टू पे तो ये वन ही होगा, राइट, और जब हमारे पास साइन जीरो होता है तो ये किधर को जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये किधर की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, राइट, दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, कोसेक एक्स, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके पाई तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ऑब्वियसली साइन और कोसेक दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं वहाँ पे,
जैसे ही मैं थर्ड क्वाड में एंटर करता हूँ, पाई के आगे बढ़ता हूँ, तो मुझे समझ में आता है अच्छा यहाँ तो माइनस वन 3π/2 अचीव होगा और इधर कैसी जाएगी ग्राफ, कुछ ऐसी जाएगी, समझ रहे हो। तो फंक्शन का ना नेचर का भी चेंज नहीं होता, एक इंसान का और एक फंक्शन का नेचर का भी चेंज नहीं होता, ठीक है। सरकमस्टेंसेज में थोड़ा बहुत वो अपना वैल्यूज़ को चेंज कर सकता है, बट नेचर उसका हमेशा वैसे ही रहता है जैसा है, राइट। ये वैल्यू कितनी है, जब एक्स तुम्हारे पास 3π/2 है उस समय कोसेक एक्स कितना है, माइनस वन है, ठीक है, दैट इज द वैल्यू। एंड सिमिलरली आप इधर भी इसको प्लॉट कर सकते थे, कोई टेंशन नहीं है, आप आसानी से इसको इधर भी प्लॉट कर सकते थे। और आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ विजिबल है कि जैसी वैल्यू हमारे पास माइनस टू पाई से ज़ीरो के बीच में है, वैसी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो से टू पाई के बीच में है, एग्जैक्टली सेम नेचर रेप्लिकेट हो रहा है। ओके, वंडरफुल। अब इसको सोचना कैसे है, अब इसको ऐसे सोचना है बच्चों, क्योंकि हमें ग्राफ तो चाहिए कोसेक ऑफ 2x प्लस पाई बाई 3 का, बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप चलना, बिल्कुल कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। देखो ध्यान से, कलर चेंज करते हैं और अपनी वैल्यू पे आते हैं। पीरियोडिसिटी सबसे पहले क्या देखेंगे, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी पहले इसकी 2π थी, अब कितनी हो गई, 2π/2 यानी कि पाई होगी। जो काम 0 से 2π के बीच में हो रहा था अब कहाँ पे होगा, 0 से पाई के बीच में होगा, ठीक है। मैं इसको मतलब दोबारा से रीप्लॉट करने की जगह पे मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लूँ, जैसे कि इसको मैं π/4 मिल लेता हूँ, तो ये π/2 हो जाएगा, ये 3π/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सबको 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि मैं अब 2x के लिए प्लॉट करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्लॉट इट फॉर 2x, ओके। तो सर्टेनली ये जो पुराना वाला ग्राफ है ये थोड़ा सा हमारा यहाँ पे इररेलेवेंट हो जाएगा, तो मैं पुराने वाले को यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यूज यहाँ पे रहने देता हूँ, ठीक है। एक्स की मतलब जो हमारे पास वैल्यूज हैं बस वो रहने दे रहा हूँ, बाकी मैं यहाँ पे ये वैल्यूज को यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो जो वैल्यू हमारे पास पहले डबल पे अचीव हो रही थी वो आधे पे अचीव होगी, क्योंकि 2 times कर रहे हैं ना यार, ऑब्वियसली बात है भाई, दोगुना काम करोगे तो जितना काम पहले तुम 2 दिन में कर रहे थे अब 1 दिन में कर लोगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि तो कॉमन सेंस भी है ना हमारे पास, तो है ना। तो ये हमारे पास π/4 पे अचीव होगा, जो पहले π/2 पे अचीव हो रहा था वो π/4 पे अचीव होगा, जो पहले π/π पे हो रहा था वो अब कहाँ पे होगा भाई, π/2 पे होगा। और सिमिलरली यहाँ हमारे पास 3π/4 आएगा और यहाँ पे हमारे पास -π आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से एक्सपेंड कर जाएगा, या कह लो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ज़रा देखते हैं ये वाली जो वैल्यू है ये किस तरीके से बिहेव करेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी तो है क्या, कि इसमें कुछ हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं तो हम देखेंगे जो काम पहले 0 पे हो रहा था वो अब कहाँ पे होगा। 0 पे ये ऊपर की तरफ जा रहा था, अब ये कहाँ से शुरू होगा, ये वाली चीज़ नोटिसेबल होनी चाहिए। देखो ध्यान से, इस बात को हम ऐसे देखेंगे कि 2x प्लस π/3 ये वाली चीज़ 0 कब हो रही है, तो हमने बड़े आसानी से देखा कि x इज इक्वल टू -π/6 पे ये वाली चीज़ क्या हो रही है, 0 हो जा रही है, ठीक है। मतलब इस ग्राफ की जो शुरुआत है वो -π/6 पे है, ये है तुम्हारे पास π/4, तो π/6 इधर कहीं पे आएगा, क्या इस बात को आप समझते हैं, -π/6 इधर कहीं पे आएगा, ठीक है। बहुत आराम आराम से सोचने की ज़रूरत है, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। अब हमें 0 से π/2 के बीच में लेना है, राइट, इसकी पीरियडिसिटी पाई है, तो मैं यहाँ से -π/6 में, -π/6 कितना होता है, देखो तुम्हें डिग्री ज़्यादा अच्छी दिखती हैं, ठीक है, तो मैं तुम्हें डिग्रीज और रेडियंस दोनों इकट्ठे दिखा रहा हूँ। -π/6 इज व्हाट, -π/6 इज -30°, ठीक है। हमें इस बात को बहुत क्लियरली, हम इस बात को जानते हैं कि जो काम हमारे पास 0 से 2 पाई के बीच में हो रहा था वो अब 0 से पाई के बीच में होगा, पहली चीज़, यानी कि 90° हमारे पास जो है, जो काम 0 से पाई के बीच में हो रहा था वो अब π/2 तक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ ये शुरू कहाँ से हो रहा है, -π/6 से हो रहा है। अगर मैं इसमें ठीक है 60° और ऐड कर दूँ, ध्यान से सोचो कितना, 60°, ठीक है, -π/6 इधर है, 60° अगर मैं ऐड करूँगा तो मैं इधर इस तरफ की तरफ जाऊँगा, ठीक है। देखो माइनस है ना, तुम्हें ऐसे देखना है कि ये माइनस, तुमने इस तरफ तुम 30° मूव किए हो, इधर तुम अगर 60° मूव करोगे तुम कहाँ पहुँच जाओगे, π/3 पे पहुँच जाओगे, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो तुम्हारे पास इंटरवल है, ये इंटरवल कितना है, ये इंटरवल तुम्हारे पास एग्जैक्टली π/2 का जो तुम्हें चाहिए, ठीक है, π/2 का इंटरवल है। बस इतना ही तो बस तुम्हें ध्यान से देखना था, इसके बाद की कहानी तो ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं,
एग्जैक्टली जो इनके बीच में पॉइंट होगा। अब सोचने की बात है इनके बीच में पॉइंट कौन सा होगा, तो कोई टेंशन इतनी बड़ी तो है नहीं यार, -30 डिग्री और इसके बीच में जो तुम्हारे पास एग्जैक्टली बीच में तुम इन दोनों को अगर ऐड अप करोगे तो तुम्हारे पास तुम सोचो जो 15 डिग्री होगा, 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, अगर सोचने में तकलीफ होती है तो ऐसे सोच लो 30 डिग्री कितना होता है, दैट इज पाई बाई 6, तो 15 डिग्री कितना होता है इसका आधा, यानी कितना पाई बाई 12, यानी पाई बाई 12 जो काम पहले हमारे पास जीरो पे हो रहा था वो अब कहाँ पे होगा, वो हमारे जीरो कह लो या फिर जो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू आ रही थी कहाँ पे आ रही थी, हमारे पास मिड पे आ रही थी, ठीक है, मिड पे आ रही जो दोनों के बीच में थी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये पाई बाई 12 पे क्या होगा, एक्सट्रीम वैल्यू आएगी, राइट, एक्सट्रीम वैल्यू आएगी, यानी यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा, राइट, यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये पॉइंट कौन सा है, विच पॉइंट इज दिस, दिस इज पाई बाई 12, 1, चेक करके देखें, आओ चेक करके देखते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है इस वाली चीज़ को डाइजेस्ट करने में आपको थोड़ी तकलीफ आ रही होगी, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो जब मैं x को 2 पाई बाई 12 रखूंगा तो क्या होगा, ज़रा सोचो, ज़रा यहाँ देखो वैल्यू रखो, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा समय लगाना है, थोड़ी एनर्जी लगानी है, ठीक है। तो पाई बाई 12 करोगे 2 times तो कितना आ जाएगा बेटा, पाई बाई 6 आ जाएगा, और पाई बाई 3 तो है ही, तो पाई बाई 6 तुम्हारा 30 होता है, पाई बाई 3 तुम्हारे पास 60 होता है, 30 प्लस 60 क्या हो गया, 90 हो गया, साइन 91 था तो कोसेक 91 नहीं होगा क्या, राइट, यानी कि जो काम तुम्हारे पास पहले कहाँ पे हो रहा था, पाई बाई 2 पे हो रहा था, वो काम अब कहाँ पे हो रहा है तुम्हारे पास, पाई बाई 12 पे हो रहा है। क्या इस बात को अब ज्यादा बेहतर देख पा रहे हो, ठीक है। और उसके बाद एसिम्प्टोट, मतलब बस तुम्हें ग्राफ को ध्यान देना है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपैंड करेगा, राइट, नेचर कभी नहीं बदलेगा, किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन का, किसी भी इंसान की फितरत नहीं बदलती है, उसी तरीके से किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन की भी फितरत नहीं बदलती है, जैसा था नेचर वैसा ही रहेगा। हाँ, अगर नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गया तो डायरेक्शन बदल जाएगी उसकी, राइट, लेकिन नेचर अब भी नहीं बदलेगी, ठीक है। जैसे अभी अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या हो जाता है, वो नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस में आता है, तो जब पॉजिटिव होना चाहिए तो नेगेटिव हो जाएगा, और जब नेगेटिव होना चाहिए तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वही बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से सब रिलेटेड है, सब कुछ प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो तुम इस बात को बड़े आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पे ये हो गया। अब नेक्स्ट अगर तुम सोचो तो कैसा चलेगा भाई, हमारे पास तो पूरा 90 डिग्री का सिस्टम है ना, मतलब पाई बाई 2 से बढ़ता जाएगा, बिकॉज हमें मालूम है कि इसका जो हमारे पास पीरियोडिसिटी है वो कितनी है, हमारे पास पाई है, ठीक है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक कौन सी वैल्यू ली है, पाई बाई 2 ली है, माइनस पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 तक। अगर तुम्हें देखने में थोड़ी भी तकलीफ हो रही, तुम इसको ऐसे देखो, ओरिजिन से तुम लेफ्ट हैंड साइड पे कितना गए, -30 डिग्री गए या नहीं, और राइट साइड पे कितना गए भाई, +60 डिग्री। तो यहाँ से लेके भाई इधर तुम 30 किलोमीटर ट्रैवल किए, इधर तुमने 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, टोटल में 90 किलोमीटर ट्रैवल किया, नहीं किया, नहीं क्या है, -30 + 60 इज व्हाट एग्जैक्टली, दैट इज 90, ओके। और मिड पॉइंट उसका क्या है, 45 पे, यहाँ से 30 से 15 किलोमीटर और आगे, समझ पा रहे हो कि नहीं, किलोमीटर में ज्यादा बढ़िया लग रहा होगा तुम्हें, डिग्रीज में थोड़ी अभी तुम्हें परेशानी हो रही है, बिकॉज यू आर नॉट यूज टू इट, सो कोई टेंशन नहीं है ना, जैसे तुम्हें आ रहा है वैसे समझ में, वैसे समझो, और फिर धीरे धीरे वैसे समझने का प्रयास करो जो तुम्हें समझना चाहिए, ठीक है। अब मैं अगर इसमें पाई बाई 3 में आराम से हर चीज़ को बहुत रिलैक्स करना है, हमें मालूम है ये चीज़ रिपीट होगी कितने देर के बाद, अब ये नीचे की तरफ जाएगी कितने देर के बाद, 90 डिग्री के बाद, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2 कितना आ जाएगा, आपको देखने में बहुत परेशानी आएगी क्या, बिल्कुल नहीं, मैंने 6 से इसको एलसीएम दिया, कितना हो गया, ये मेरे पास आ गया 2, राइट, और ये कितना आ गया 3, यानी कि दिस कमिंग आउट टू बी 5 पाई बाई 6, यानी जो काम अभी हमारे पास पाई बाई 3 पे हो रहा था वो अगला काम हमारे पास कहाँ पे होगा बच्चों, ये अगला काम हमारे पास 5 पाई बाई 6 पे होगा। द नेक्स्ट एसिम्प्टोट वुड कम वेयर, एट 5 पाई बाई 6, द नेक्स्ट एसिम्प्टोट वुड कम एट 5 पाई बाई 6, दिस इज 5 पाई बाई 6, ठीक है। यहाँ मैंने एसिम्प्टोट ड्रॉ करना शुरू किया, अब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा तुम देख भी सकते हो, कोई बहुत टेंशन वाली चीज़ नहीं है, राइट, इसका जो मिड पॉइंट होगा वहीं से मेरे पास -1 से ये सिमेट्रिकली इस तरीके से उठ जाएगा। मिड पॉइंट क्या होगा भाई, मिड पॉइंट क्या होगा, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए तुम्हें, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम इसमें 45 डिग्री ऐड करोगे भाई, तुम टोटल तुम 90 डिग्री आगे बढ़ो, 45 ऐड कर दो, ये कितना है 60 है, यानी कि पाई बाई 3 है, राइट, पाई बाई 4 इज 45 डिग्री, तो पाई बाई 4 अगर ऐड करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, जहाँ तुम्हें पहुँचना है, एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया, ये कितना हो गया 4 + 3 यानी कि 7 पाई, दैट मीन्स विच पॉइंट इज दिस, दिस इज 7 पाई बाई 12, ठीक है। बस इन पॉइंट्स को अगर तुमने दिखा दिया तो तुम्हारा काम हो गया, ओके, द ग्राफ इज डन। और क्या बात बनती है हमारे पास, डोमेन और रेंज की, आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। अगर मैं डोमेन की बात करूं बच्चों,
डोमेन जो भी हमारे पास कोसेक का था, बिकॉज बाहर कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो डोमेन हमारे पास जो भी था वो रहेगा। बस हमें ये देखना था कि हमारे पास कोसेक कहाँ कहाँ पे अनडिफाइंड था, जहाँ पे हमारे पास साइन ज़ीरो हो रहा था, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि साइन ज़ीरो कब हो रहा था। साइन ज़ीरो होता है एन पाई पे, ठीक है। तो ये जो 2x प्लस पाई बाई 3 है, राइट, ये वाली चीज़ जो है जब भी एन पाई होगी तो यहाँ पे हमारा डोमेन अनडिफाइंड होगा। तो सोचने की बात है कि x कितना आ रहा है, राइट, x डोमेन तो x है ना, डोमेन इज व्हाट द वैल्यूज ऑफ इनपुट, x की वैल्यूज होती हैं। तो ये कितना आ जाएगा, इसको तुम एज इट इज लिख लोगे एन पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये पाई बाई 6 हो जाएगा। तो मैं डोमेन के बारे में क्या लिखूंगा, मैं डोमेन के बारे में लिखूंगा ऑल रियल नंबर्स माइनस एन पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है। इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, ब्रेसेस के अंदर लिखूंगा, ठीक है। जिन्होंने सेट थ्योरी फंक्शंस नहीं किया है बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी आप इसको सिर्फ नोट कर लें, जब रिपीट कराऊंगा आपको ये सब ध्यान रहेगा। एन इज वॉट, एन बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, एनी इंटीजर। रेंज की बात करें तो रेंज में कोई बदलाव नहीं आने जा रहा, इट इज गोइंग आउट टू बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस वन टू प्लस वन, दैट इज गोइंग आउट टू बी द रेंज, ठीक है। कमिंग टू द लास्ट ग्राफ दैट आई गिव यू एज द होमवर्क क्वेश्चन, बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ईजी है। मैंने क्या बोला आपको, हमेशा जो भी चीज़ है तुम्हारे सामने उसको एक बार ओरिजिनल तरीके से एक बार सोच लिया करो, ठीक है, सोच लिया करो, सिर्फ सोचोगे तो काम हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, राइट। कॉट टैन का अपोजिट है, राइट, कॉट का ग्राफ सर हम याद करेंगे, ठीक है। तो टैन पे वो कितना हुआ करता था, पाई बाय टू पे वो होता था इन्फिनिटी, तो पाई बाय टू पे ये कितना होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। और ये ज़ीरो पे हमारे पास कितना होता था, ज़ीरो पे टैन, टैन हमारे पास ज़ीरो होता था, तो कॉट कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। दूसरी बात हमें क्या समझनी है, पीरियडिसिटी देखनी है, पीरियडिसिटी कितना हो जाएगा भाई, पीरियडिसिटी जो इसकी कॉट की पाई थी अब कितनी रह जाएगी हमारे पास, पाई बाई 3 रह जाएगी, ठीक है। आओ पहले सिंपल कॉट एक्स रखेंगे, माइनस भूल जाएंगे, 3x भूल जाएंगे, सिर्फ हम कॉट एक्स रखेंगे। आओ जल्दी से देखते हैं बिकॉज टाइमर हमारा बहुत तेज़ी से चल रहा है, अगर बीच में ऑफ हो जाए तो कोई टेंशन मत लेना, जस्ट लॉग आउट, मतलब अपने आप लॉग आउट हो ही जाएगा, फिर लॉग इन कर लेना यूजिंग द सेम आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। देखो तो मैं कॉट के लिए इसको ड्रॉ करूंगा, कॉट के लिए मुझे ज़ीरो से पाई के बीच में देखना चाहिए, है ना, ज़ीरो से पाई के बीच में देखना चाहिए, बीच में मेरे पास पाई बाई 2 आएगा, पाई बाई 2 आएगा, राइट, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ पाएंगे। देखिए तो ज़ीरो पे कॉट हमारा बहुत तेज़ी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और जैसे ही मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में एंटर करूँगा तो क्योंकि टैन नेगेटिव होता है तो कॉट भी नेगेटिव ही होगा, ठीक है भाई। थोड़ा सा ग्राफ बेटर बनाने का प्रयास करते हैं, और जैसे जैसे ये पाई की तरफ जाएगा तो टैन वहाँ पे ज़ीरो हो जाता है, तो ऑब्वियसली बात है कॉट हमारे पास किसकी तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट विल वर्क, राइट, एंड दिस विल कॉन्यू लाइक दिस, है ना, इसी तरीके से इधर भी और इधर भी सभी जगह पे ऐसा ही चलता रहेगा, राइट। ये बीच में तुम्हारे पास क्या आएगा, माइनस पाई बाई 2 आएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास माइनस पाई आएगा।